जनपद में सहायक कृषि विकास अधिकारी की दबंगाई का मामला सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित होने के बावजूद सहायक कृषि विकास अधिकारी चार्ज और कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। कागजों में थ्रेसिंग फ्लोर बनाकर लाखों रुपए हड़पने के मामले में निलंबित होने के बावजूद सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर तैनात रहा। कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को चार्ज नहीं दे रहा है, इससे जहां विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं शिकायतकर्ता ने और अधिक गबन होने की आशंका जताते हुए संयुक्त कृषि निदेशक मेरठ से शिकायत दर्ज कराई है और चार्ज से हटाने की गुहारें लगाई है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। आपका नाम जानना चाहूंगा। लोकेश कुमार, सनोप रघुवीर सिंह, गांव मुकंदपुर। लोकेश जी, आपने किसकी शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी और क्या कार्यवाही हुई? मैंने, महेश कुमार है जो एडीओ ब्लॉक छपरौली, उनके द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें हमने उनकी जांच कराई, डीएम साहब से कई बार मिले हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद हम पहुंच गए मेरठ संयुक्त कृषि निदेशक के यहाँ, तो उनके द्वारा हमने जब इसके बारे में बताया गया तो 18 तारीख को इसको निलंबित कर दिया गया उनके द्वारा। लेकिन मालूम हुआ है कि आज तक भी ब्लॉक का चार्ज उसने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा वो है विभाग में कि उसका चाबी क्यों नहीं दवाई गई आज तक। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुभण ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरसठ में उपचुनाव में भगवान यादव ने 145 वोटों से जीत दर्ज कर लहराया अपना परचम। भगवान यादव ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को 145 मतों से हराकर जीत हासिल की है। बरसठ ग्राम पंचायत के प्रधान आशा सिंह के मौत के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव में स्वर्गीय आशा सिंह के पुत्र हरेंद्र सिंह को भगवान यादव ने 145 मतों से हराकर जीत हासिल किया है। भगवान यादव ने बताया कि पिछले 7-8 सालों में जो कार्य नहीं हो सका उस कार्यों में 2.5 साल पूरा करेगा। मेरा ये कोशिश होगी कि इस गांव में सबसे ज्यादा विकास हो, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू इमोशनल होता है, इसलिए उसे जानबूझकर टारगेट किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी पर भी एक भी क्रिश्चियन ने अपने बच्चों को कृष्णा नहीं बनाया, जबकि हमारे लोग 25 दिसंबर को अपने ही बच्चों को जोकर बनाकर खड़ा कर देते हैं। हिंदू धर्म को मिटाने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वह खुद ही खत्म हो गए। गठबंधन पर भी उन्होंने कहा कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। बागपत में चल रहे लक्षाग्रह के विवाद पर बोली कोर्ट के निर्णय पर हमें पूरा विश्वास है, जल्द आएगा हमारे ही पक्ष में निर्णय। माउंट आबू में लगी इस साल की तीसरी लोक अदालत में हो रहे हैं मुकदमों के निवारण। लोक अदालत की भावना से हो रहे हैं फैसला। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपा गुप्ता के निर्देशन में माउंट आबू के ऊपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण चौहान की अध्यक्षता में आज सुबह से ही तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मुकदमा का निवारण किया जा रहा है। भारी संख्या में मुकदमों का निवारण किया गया है। अब बताइए कि सर, किस प्रकार से लोक अदालत के तहत जो है लोगों के मुकदमों का निवारण हो रहा है? हम विशेष तौर से सिविल मामले में एक प्रयास रहता है कि दोनों पक्षकारों को बुलाकर उनके आपस में जो विवाद है उन विवाद को संघर्ष करके निपटाया जाता है, ताकि उनके छोटे छोटे कई डिस्प्यूट होते हैं वो आपस में संघर्ष करके ज्यादा आसानी से निपटाए जाते हैं। इसी प्रयास से हम सिविल के मामले निपटाए जाते हैं। अभी किस प्रकार से मुकदमों का निवारण हुआ है? अभी हमारे फौजदारी प्रकरण में भी राज्य सरकार का एक आदेश आया है, जिसके अंदर 13 आईपीओ से संबंधित मामले हैं और अन्य जो आरएनसी एक्ट के मामले हैं, उनमें सरकार ने 6 माह से पुराने लंबे जितने भी मामले हैं उनको विड्रॉ करने की अनुमति दी है। उस तरीके से भी हमारे मामले निपटाए जा रहे हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए के साथ पादरू कस्बे के स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 97वीं जिला स्तरीय
17 से 19 वर्ष छात्र वर्ग वॉलीबॉल खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले के अन्य हिस्सों से आई 63 टीमें भाग लेगी। इन टीमों के लिए कुल 4 कोर्ट पर मैच कराए जाएंगे, जिसके लिए खेल निर्णायक 17 वर्ष छात्र वर्ग के हेतु शारीरिक शिक्षा कमल किशोर व 19 वर्षीय हेतु शारीरिक शिक्षा तुलाराम होंगे। मुख्य निर्णायक कमल किशोर और तुलाराम ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पादरू में 97वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 63 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 651 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे।